सोचो अगर आप भी हर सुबह इस नज़ारे के साथ शुरू हो तो बोलिए क्या मज़ा आएगा। सो गाइस कल से हम निकले ना, बारिश बिल्कुल नहीं रुकी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ। बारिश चल रही है और हम एक जा रहे हैं खूबसूरत पिकनिक पे, तो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ हम एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं। तो इस बार काशी नहीं है हमारे साथ, हम जा रहे हैं कार में। ये हमारी जीजा जी की कार है, तो चलो रास्ते में मिलते हैं आपसे। गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हैं बायो ब्रेक के लिए। अभी रास्ते में नवी मुंबई पहुँचे हैं, तो दिस इज़ करण जाड़े नवी मुंबई में, वहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। आप देख सकते हो पीछे नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो जैसे टाइटल में आपने देखा, हम जा रहे हैं अंधारबन। तो चलो यहाँ से आगे निकलते हैं, फिर मैं आपको रास्ते के नज़ारे दिखाता हूँ। माना कि जिंदगी में कम बहुत है, कभी निकलो सफर पर और देखो खुशियाँ। सो गाइस अब और आप देख सकते हो ये काफी फेमस पॉइंट है, जहाँ पे यूजुअली जो लोनावला वगैरह पुणे जाने वाले लोग रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हो पीछे। गाइस ये मौसम और भुट्टा एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हो मौसम कैसा हो गया, मेरे इस चश्मे पे भी बूंदे दिखेंगी आपको बारिश की। और ये देखिए पीछे। देख सकते हो आप, जीरो विजिबिलिटी, जीरो टाइम और आ गया, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये गाड़ियां नजदीक है इसके लिए दिख रहा है, वरना ये बिल्कुल नहीं दिखता है कुछ भी। और ये जगह मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, कैन यू इमेजिन। सो गाइस किसी महान इंसान ने कहा है, देयर इज नो नीड टू डाई टू गो टू हेवन। तो गाइस आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा रहेगा टाइगर पॉइंट के बारे में, तो
टाइगर पॉइंट है, आप देख सकते हो ये अभी इसका हाल है। फॉग में कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे मैंने पहले कहा था जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं है। और अभी इस पॉइंट के आगे गाड़ियां जाती ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट यहां तक आते हैं। और हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे आप देखोगे तो नज़ारे ही नज़ारे हैं। ना मंजिल के लिए है ना रास्ते के लिए, मेरा ये सफ़र है खुद से खुद की पहचान के लिए। गाइज अगर आप जन्नत ढूंढ रहे हो तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर पे आप देख सकते हो। गाइज आप देख सकते हो दिस इज महाराष्ट्र। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि मानसून में महाराष्ट्र जैसा कुछ भी नहीं है, तो दिस इज़ महाराष्ट्र। और हम यहाँ से मतलब मुंबई से मेरे घर से, मैं जो थाना में रहता हूँ, ज़्यादा नहीं 150 किलोमीटर ही दूर है। और आप देख सकते हो बारिश यहाँ पे बहुत जोरों से, तो ये लोकेशन में आपको दिखा पाऊँ ये कैसा है। आप देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर एक कैंपिंग लोकेशन है। तो ये आगे जो जा रहे हैं हमारे चीज़ें भी, वो यहाँ पे आए थे पहले भी, तो वो हमें दिखाने लेके जा रहे हैं ये स्पॉट कहाँ पे। ये वो लोकेशन है यहाँ पे आप अपना कैंप लगा के रह सकते हो। और ये पूरा क्लीन ग्राउंड बनाया है इन्होंने, यहाँ पे आप अपना टेंट पिच करोगे। चलो अभी बारिश है तो कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, बट अदरवाइज बाकी सीजन में आप देखोगे यहाँ पे टेंट
यहाँ पे पहाड़ और ये सामने पहाड़। जो मजा आएगा यहाँ पे आप सोचते रहोगे। चलो अभी देखते हैं अगला लोकेशन क्या है। तो गाइस मैं आपको बताना भूल गया, आपने तो टाइटल में देखा होगा, हम आए हैं अंधारबन। अंधारबन जगह है, इट फॉल्स इन कोंकण, बट ये पुणे से नज़दीक है और मतलब पुणे और कोंकण के बीच में है। तो अंधारबन का मतलब है, अंधार मतलब अंधेरा मराठी में और बन का मतलब है फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एक ट्रैक भी है, हमको थोड़ा लेट हुआ है यहाँ पे आने के लिए, वरना हम उस ट्रैक पे भी जाने वाले थे, वही प्लान था। लेकिन आपने देखा रास्ते में हमने आपको बहुत सारे नज़ारे दिखाए, उसमें वोकल्स कुछ भी नहीं था, मैं आपको बेसिकली नज़ारे दिखा रहा था। और जो क्लाइमेट था इतना सुपर्ब था, इतने जगह पर हमने रोका, इतने जगह पर हमने वीडियो बनाया कि यहाँ पे आते आते हमको बन के बज गए चार। अभी चार बजे हम लोग अगर ट्रैक पे जाते हैं जो एक डेढ़ घंटे का है, तो वापस रिटर्न आने में दिक्कत हो जाएगी। गाइस आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। कैमरा मैंने वाटर प्रोटेक्शन केस में रखा है और शायद से इस पर ना थोड़ा सा मॉइस्चर आया है, तो ये पिक्चर इतना साफ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत खूबसूरत है। तो मेन रोड से हम थोड़ा ऑफ ट्रैक आए हैं, बोला चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि अननोन जगह पे ज़्यादा दूर जाना सही नहीं है। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं। और यहाँ तक तो स्ट्रेट रोड था, लेकिन इसके बाद ये नीचे उतरता है और आप देख सकते हो सामने कितना घनी झाड़ियाँ हैं। तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे यहाँ से, तो हमारा ये छोटा सा ट्रेल जो था यहीं तक है, जहाँ से अभी हम रिटर्न जाएंगे। गाइस आप देख सकते हो वाटर क्रॉसिंग, क्या बात है, जबरदस्त। आज बियर ग्रिल वाला काम करने का, सब एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ पे जाहिर नोटिस, एंट्री नहीं है। चलो कोई नहीं, बाकी के लोगों के लिए एंट्री नहीं है, हमारे लिए है। हमने अंधारबन वाला ट्रैक मिस किया दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जल्दी आते थे वो ट्रैक करते थे। दिक्कत ऐसी हुई कि काफी टाइम हमने रास्ते बिताया फोटो वीटो निकालने में, और उसके बाद एक रास्ता हम भूल गए और ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर गए जंगल में,
और जहाँ पे ये रोड डेड एंड होता है और वहाँ से रिटर्न आया ढूंढते ढूंढते, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क ही, ना जियो है ना रिलायंस सॉरी ना जियो है ना एयरटेल है ना वोडाफोन है। तो इसी वजह से हमको ये एड्रेस मिलने के लिए भी काफ़ी दिक्कत हुई। तो चलो कोई नहीं, अगले बार ज़रूर करेंगे। यही है अंदरवन होम से जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो इसमें इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनके पास सिर्फ चार कमरे हैं और चारों बुक थे, तो इसके लिए हमने टेंट बुक किया। तो गाइस दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे ये एक शेड है जिसमें इन लोग टेंट बना के रखते हैं और इसी रास्ते से आगे इनका होम स्टे है। होम स्टे मतलब कॉटेज है और जहाँ पे ये कमरे देते हैं, तो कमरे फुल थे इसके लिए हमने यहाँ पे टेंट लिया है। अब मैं दिखाता हूँ अंदर से। The next day. So guys, सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, मेरी नींद सुबह 5 बजे ही खुली और अभी बस रुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो मैंने कल आपको मैं दिखाने वाला था जो हमारा टेंट का जो सेटअप है वो कैसा था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था और फिर अंधेरे में ना उसका जो वीडियो है बराबर नहीं आता था। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इनका ऐसा कुछ सेटअप है, मतलब ये जो शेड है इसमें ये होटल चलाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो यूजुअली अंदरवन में ना ट्रैकिंग होता है और जो ट्रैकर्स आते हैं उनके लिए ये खाना वगैरह जो है वो यहाँ पे उनको मिल सकता है। तो ये इनका रेस्टोरेंट है। आगे इनके दो कॉटेजेस हैं जहाँ पे चार रूम है और यूजुअली ये जो पीछे जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे ये टेंट वगैरह, मतलब अभी बारिश है इसके लिए, नहीं तो अदरवाइज इन लोग यहाँ पे टेंट लगा के देते हैं, लेकिन अभी बारिश है इसके लिए इन्होंने हमको अंदर टेंट लगा के दिया। लोकेशन तो ये काफ़ी बढ़िया है, ये इनका पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे ये आपको टेंट वगैरह लगा के दे सकते हैं। यहाँ पे इनका ये वॉशरूम है लेडीज़ और जेंट्स के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाया हुआ है। तो अभी मैं इनका आगे का हिस्सा दिखाता हूँ। तो ये आगे का हिस्सा है, ये मेन रोड टच है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये सब ट्रैकर्स जा रहे हैं। तो ट्रैकर्स अभी यहाँ से जाएंगे और वहीं कहीं से ये ट्रैक शुरू होती है और ये पूरा जो सामने जो माउंटेन दिख रहा है आपको, यहाँ से ये ट्रैक होके आगे से नीचे उतरती है जहाँ पे ये वाटरफॉल है। तो कल हम जब ये आए थे ये राइट साइड से आए थे वाया पूना, मतलब लोना वाया लोनावाला, और ये रोड अगर आगे सीधा जाता है और ये सीधा कोंकण रीजन में उतरता है, मतलब यहाँ से 14-15 किलोमीटर से कोंकण शुरू होता है। ये वैसे मुल्शी मतलब पुणे में पड़ता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो सीधा रायगढ़ में उतरोगे। क्लाइमेट सुपर्ब है, तो गाइस क्लाइमेट यहाँ का सुपर्ब है, बस होटल्स वगैरह थोड़े कम है, होम स्टे मतलब लिमिटेड है, रहने का और खाने पीने के लिए लिमिटेड सुविधा है, बट अदरवाइज
लेकिन मिल ही जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली यहाँ पे जो ट्रैकर्स आते हैं वो सुबह आते हैं ट्रैक करके शाम को रिटर्न जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ओवरनाइट रुकते हैं। सो गाइस यही है ये जगह जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अंदारवन रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। इस पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो स्टे के बारे में। आप देख सकते हो इट्स सुपर ब्यूटीफुल। ये इनकी प्रॉपर्टी है इतनी, मतलब काफ़ी सारी जगह है बट एकदम रॉ रखा है इन्होंने, इसी का मज़ा है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे होटल वगैरह बनाएंगे, झूले बनाएंगे बच्चों को खेलने मिलने के लिए, तो ये जो रॉनेस है, जो मज़ा है, ये सब निकल जाएगा यहाँ का। ये पीछे देखिए पहाड़, पूरा फॉग है। और ये आगे आगे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो गाइस कल से हम निकले ना, बारिश बिल्कुल नहीं रुकी है, मतलब मुंबई से लेके यहाँ आने तक बारिश कहीं पे भी नहीं रुकी, कंटिन्यू बारिश हो रही है। और यहाँ पे तो कल रात को इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, कल शाम से इनफैक्ट। तो ये जो इनका जो रूफ है, ये पतरे का है, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी ना गाइस। क्लाइमेट देखो, कैमरा में इतना दिख नहीं रहा बट ज़बरदस्त फॉग आ गया। ये ट्रैक वहीं से शुरू होता है लेकिन ये निकलता है देवकुंड, जो अराउंड 17-18 किलोमीटर का ट्रैक है, तो काफ़ी लंबा बड़ा ट्रैक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरा क्लियर था, अब ये धीरे 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 पूरा फॉग आ रहा है। सो गाइस मैं आपको और नज़दीक से दिखा सकता था लेकिन है ना, बारिश हो रही है और मुझे बिल्कुल भीगना नहीं है। हल्की बारिश है लेकिन भीगना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है। हाँ, तो अगर बारिश नहीं होती थी हम थोड़ा और आगे जाते थे, थोड़ा जो ऊपर जो दिख रहा है ना वहाँ से एक राउंड मार के आ सकते थे, लेकिन अभी कल से हम बस ये शेड के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, बस शाम को मैंने वो पोंचू पहन के हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे घूमने के लिए, मैंने हमको आपको दिखाया, वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो तो अंदारवन ज़रूर आना। और जैसे यहाँ पे मैंने बोला है, यहाँ पे टेंट्स वगैरह भी मिलते हैं, ये टेंट्स वगैरह का बंदोबस्त करते हैं, तो आप यहाँ पे टेंट में रात को रह के सुबह को मस्त वापस घूम सकते हो। अभी हम निकल चुके हैं वापसी के सफर में, तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं पाली। तो यहाँ पे हम रुके थे, थोड़ा सा चाय पिया और एक वड़ा पाव खाया, क्योंकि बहुत थोड़ी भूख लगी थी। मतलब 1.5 से 2 घंटे में भी घर पे पहुंच जाएंगे। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।